ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत को 5 विकेट से शानदार जीत मिली। भारत की जीत में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा हीरो रहे, जिन्होंने 108 रन की पार्टनरशिप की और भारत को जीत दिला दी। केएल राहुल 91 गेंद पर 75 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं जडेजा ने 45 रन की पारी खेली। दोनों के दम पर भी भारतीय टीम यह मैच जीतने में सफल रही। हालांकि जडेजा ने मैच में 2 विकेट भी लिए थे, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। बता दें कि मैच के दौरान जडेजा और राहुल की बल्लेबाजी शानदार रही, तो वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब मार्नस लबुशेन ने जडेजा को धोखा देकर रन आउट करने से चूक गए। मैच के 37वें ओवर के दौरान 5वीं गेंद पर जडेजा 1 रन लेने की कोशिश की, लेकिन लबुशेन ने तेजी दिखाकर गेंद को पकड़ लिया और स्टंप के करीब पहुंच गए। जडेजा ने देखा कि लबुशेन ने गेंद को पकड़ लिया है, अब वह रन नहीं हो सकता। ऐसे में रविंद्र जडेजा क्रीज के अंदर पहुंचे और बिना देरी किए फिर से क्रीज से बाहर होकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े अपने साथी बल्लेबाज से बात करने लगे। ऐसे में लबुशेन ने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए और जडेजा को क्रीज से बाहर देखकर थ्रो स्टंप पर मार दिया। हालांकि लबुशेन का थ्रो स्टंप पर नहीं लगा और जडेजा रन आउट होने से बच गए, लेकिन गेंद ओवर थ्रो के लिए चली गई, जिसके कारण सर जडेजा ने भागकर 1 रन ले लिया।